सरकार की लगातार कोशिशों जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी रोजाना सैकड़ों अवैध पूंजी स्कीम लाकर लोगों को ठगने का काम देश के तमाम योजना के तहत जमा करता परिवारों का भुगतान उन पूंजी स्कीम के तहत हजारों पीड़ित जंतर मंतर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के बैनर तले इकट्ठा जिनका नेतृत्व प्रसिद्ध समाज सेवी मदन लाल आजाद ने किया। इस कानून में हमारी संसद ने सर्वसम्मति से ये व्यवस्था की है कि देश की किसी भी कंपनी या क्रेडिट दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन डॉट इन के लिए कुलवंत कौर के साथ पंसी लाल पैसा किसी भी योजना के नाम पर हड़पा है और वो कंपनी बंद हो जाती है, सरकार बंद कर देती है या वो लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है, तो सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर जो सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं बक्सर के तहत पूरे देश में, उनको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो अपने जिले के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन आमंत्रित करे, उनसे आवेदन ले, उस पर प्रोसीडिंग आरम्भ करे, जो भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको आदेश दे, जो जमाकर्ता का आवेदन का गरीब परिवार लोग अपने मेहनत की कमाई जमा राशि का 2-3 गुना नहीं हो पाता एक महीने के अंदर वापस करे। अगर कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका पैसा वापस नहीं करती है जिला कलेक्टर या SDM के आदेश के बाद, तो वो जिले के SP क्राइम को आदेशित करेगा कि वो उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उसकी प्रॉपर्टीज को उसके अकाउंट्स को चिन्हित करके सीज करे और जो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के तहत हर जिले में बनाई गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट सेशन कोर्ट फर्स्ट को इसमें नामित किया गया है उनके यहाँ आवेदन फाइल करे कि साहब ये प्रॉपर्टीज हमने सीज की हैं इस कंपनी की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की और हमें इनको नीलाम करने की परमिशन दी जाए। 60 दिन के अंदर अंदर वो इन तमाम प्रॉपर्टीज को नीलाम करे और जितने भी आवेदकों ने भुगतान के आवेदन किए हैं उनकी जमा राशि का 2-3 गुना उनको वापस करे। 180 वर्किंग डेज 180 दिन में ये इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करना है, ट्रायल कंप्लीट करना है। जो दोषी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के या कंपनी के संचालक हैं उनको दंडित भी करना है, जेल भी भेजना है, 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। संगीन अपराध है ये, लेकिन इसकी अनुपालना देश में बहुत कम स्थानों पर की जा रही है, इसीलिए आज सबको आह्वान करके यहाँ जंतर मंतर पर बुलाया गया था। चूंकि हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभी 18 जुलाई को एक फर्जी पोर्टल लॉन्च किया सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स का भुगतान करने के नाम पर, इससे पहले वो ऐसे पोर्टल बना चुके हैं। 2012 में सहारा इंडिया सेवी पोर्टल बनाया था, 2016 में सेवी PSEL पोर्टल बनाया था, 90 में JBG सेवी पोर्टल बनाया, कुबेर का बनाया, साईं प्रसाद का, समृद्धा जीवन का, आदर्श का, इस तरह के बहुत सारे पोर्टल या कहें कवायद सरकार ने शुरू की लोगों को झांसा देने के लिए। लेकिन जब से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बना और जब से हमने देश के तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, आह्वान किया, जब लोग जुड़ने लगे तो अमित शाह को नरेंद्र मोदी को लगा कि यार अगर ये सब तमाम लोग इकट्ठे हो गए 42 करोड़ तो ये तो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। इस भय से आपकी एकता को तोड़ने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए भारत सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत फेक पोर्टल लॉन्च किया ताकि आपकी एकता को भंग किया जा सके। आज सरकार के उस छल का प्रतिकार करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर का कार्यक्रम और आप हमारा यहाँ रहेगा, तब तक आप तमाम लोग भोजन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चमन शरीफ है सर। कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक से आया हूँ सर। क्या हुआ आपके साथ? सर कहाँ पैसा लगाया था? हम तो 2002 में अभी वो कंपनी शुरुआत हुई सर, डॉक्टर महेश किसान मोतेवा बोल के हमारा MD है सर, वो समृद्ध जीवन बोल के कंपनी निकली सर,
वो कंपनी में हम पैसा डाल के कम से कम 7 साल हुआ सर, अभी तक पैसा नहीं मिला सर। अभी हम मदनलाल जी से हम थोड़ा एक 2-3 बार हमें दिल्ली आके हम जनता मंदिर में आके शामिल हुए थे सर। अभी वो तो बोल रहे हैं सर, राष्ट्रपति ने बनाया ना 2019 कानून, वो जारी करने के लिए अब निश्चित रूप से पैसा मिलेगा और तुम डरने का नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा। राज्य सरकार में कंप्लेंट दिए सरकार को दिए सर, डीसी ऑफिस को मना भी दिए सर, और डीसी ऑफिस को मना भी दिए, और अब हम कर्नाटक में अभी बेंगलुरु में मुख्यमंत्री से भी मना भी दिए। हम कर्नाटक में तो कांग्रेस आ चुकी है सर, वो तो बोले सर खाली आश्वासन दे रहे हैं।